हर शंभु नमामि शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने का दूसरा सोमवार भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए है। वीडियो में बड़े सरलतम उपाय जो आप आसानी से कर पाएंगे, मैं भी करूंगी, वह आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। सावन का सोमवार आप भले ही उपवास कर रहे हों या न भी कर पा रहे हों, तो भी इन उपायों को आप करने का प्रयत्न करें। पहला उपाय हरिओम जल का उपाय है। इसे गुरुजी अपने आप में अद्भुत बताते हैं। गुरुजी कहते हैं इसका प्रताप ऐसा है कि महाकाल की धरती में आप सीधे जल अर्पित कर रहे हैं, इतना परम सुख मिलता है। आप में से कई भक्तों ने किया होगा, परंतु हरिओम जल अगर सोमवार के दिन सावन सोमवार व्रत के दिन चढ़ाते हैं तो भाग्य आपका खुल जाता है। अन्य उपाय भी वीडियो में हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, उससे पहले यह विशेष उपाय आपको बताते हुए चलूँ। आपको एक लोटा जल अपने घर के मंदिर से लेना है, बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक करिएगा, बहुत लाभ होगा। अन्य उपाय जैसे दो लोटा जल इत्यादि का आपने किया होगा, नियम ले रखा है अत्यधिक शुभ है, साथ के साथ यह भी कार्य कर सकते हैं। आप अपने हाथ की हथेली में विशेष रूप से एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है ध्यान से सुनिए। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर एक बेलपत्र रख देना है सबसे पहले, ठीक है, यह कार्य आपको करना है। बेलपत्र की डंडी जो नीचे की ओर अथवा जलाधारी की ओर हो, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आप सभी को जो जल अर्पित करना है वह गणेश जी महाराज से शुरू करना है और ओम की आकृति बनानी है और ओम का ही उच्चारण करना है। कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले गणेश जी से शुरू करेंगे जल की धार देना, तो यह जो है अशोक सुंदरी माता तक आकर रुकेगा, तो आधा ओम बन जाएगा। इसके बाद यह जो है विशेष तौर पर कार्तिकेय जी भगवान तक आएगा, तो यह आधा ओम पूर्ण रूप से बन जाएगा। उसके बाद ओम के पीछे की आकृति हमें बनानी है, तो धीरे 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 यही जलधार आप माता रानी के गोल हस्त कमल पर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और साथ के साथ आप यही जलधार शिवलिंग पर ले जाएंगे, तो पूरा ओम स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से शिवलिंग पर आप सुंदर एक हरिओम जल समर्पित कर दे रहे हैं। इसके बाद आप गोलबत्ती का घी का दीपक लगाकर महादेव की आरती करें, प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज मैंने हरिओम जल आपको हरिओम बिंदु जल या हरिओम जल समर्पित किया है, मेरे भाग्य की रेखाएं प्रबल करें और मुझे महाकाल की धरती पर जल चढ़ाने का परम सुख प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर आ जाएं। ये घर पर भी कर सकते हैं, चाहे तो अंतिम छोर में बहता हुआ पानी आप सभी जो है अपने जल के लोटे में झेल कर घर का छिड़काव करें और आप जो है विशेष तौर पर इसे ग्रहण भी कर सकते हैं, इसका लाभ भी होता है। तो बात हमने कर ली सरल पहले उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा सरल उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में बताया है, आपने सुना होगा, कल ही यह उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, उस स्थान पर सबसे पहले अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा, रोग, कष्ट कहकर आप सभी को अपना हाथ पूर्ण रूप से रखना है, स्पर्श करना है। मनोकामना बोलने के बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो एक बेलपत्र है अपने घर ले आना है और अपना रोग जो है दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है तो वह कहते हुए आपको इसे चबा चबा कर खा लेना है, ठीक है जी। कल की कथा आपने सुनी होगी तो उसमें यह उपाय आपने जरूर से सुना होगा। कुछ नहीं करना, बहुत सरल है, कोई पैसा समय लगना है नहीं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपना हाथ रखकर मन की कामना बोले, जो मन में बात है वह बोले और शिव पर चढ़ा हुआ, आपने चढ़ाया हो या अन्य व्यक्तियों ने चढ़ाया हो, आपको बेलपत्र उठाकर घर ले जाना है और चबा चबा कर खा लेना है अपना रोग का ध्यान करते हुए। आपके जीवन में जो शिव महापुराण कथा के द्वारा जो परेशानियां निदान हुआ है वह कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कोई भी प्रश्न हो मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी, आप जो है कमेंट्स में प्रभु का चिंतन सुमिरन जरूर से कीजिएगा। दो हमने बात कर ली उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं सावन महीने में या किसी भी महीने में एक बार मात्र आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध डालना है। गौ माता का दूध हो तो कहना ही क्या, अद्भुत इसका सुख कहा गया है। जल के लोटे में कच्चा दूध डालकर 5 काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च हर एक कार्य में बल प्रदान करती है, रोग संकट पीड़ा से मुक्ति देती है और परिवार में हर एक कार्य में सिद्धि प्रदान करने के लिए होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए होती है। दूध जो चंद्रमा से संबंध रखता है, मन मस्तिष्क का कारक कहा गया है, तो आपको जल के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध डालना है, 5 दाने अच्छी अवस्था में काली मिर्च के डालने हैं और इसे शिवलिंग पर सच्चे भाव सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप कर कर किसी भी मंत्र का जाप कर कर आपको सुंदर भाव से महीने में एक दिन आपको जरूर से चढ़ाना है। अगर आप नियमित रूप इस कार्य को करते हैं तो भी शुभ है, नहीं भी कर पाते हैं तो महीने भर में सिर्फ एक बार भी कर लेते हैं
तो लाभ आपको होना ही है। तो तीन उपाय हो गए जिनमें कोई पैसा समय ज़्यादा मेहनत लगती ही नहीं है, पर विश्वास से किया जाता है तो इन उपायों से लाभ होता है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण कहा गया है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा में घिरे हैं और जीवन में हर तरफ से जो है कहीं मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, दिन की शुरुआत दवाई खाने से हो रही है, तो इन सरल से उपायों को आप कर सकते हैं, लाभ आपको होना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। कल सोमवार की नौमी तिथि है, सावन महीने की नौमी तिथि को ही यह उपाय किया जाता है जो मैं बताने जा रही हूँ। गुरुजी की आवाज़ में भी आप सर्च कर कर इन उपायों को सुन लीजिएगा, सत्य पाएंगे। गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा दुब घास ले लीजिए, ठीक है, दुर्वा घास रोग मुक्ति देती है, आप जानते होंगे। आपको सावन महीने की नौमी का स्मरण करना है अपना रोग का भान कर। सबसे पहले जो आप दुर्वा लेकर गए हैं वह गणेश जी के चरणाविंद में अर्थात चरणों में स्पर्श कराएं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर शिवलिंग पर जो दुर्वा है वह सात लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सात दुर्वा लेनी है, गणेश जी को स्पर्श कराना है, माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराकर शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद इस नौमी तिथि पर यह जो दुर्वा आप शिवलिंग से उठा कर लाए हैं ना, थोड़ी सी मात्रा अपने पास चुपचाप रख लीजिए। अब सावन के बाद महीना आएगा भादो का, तो भादो महीने में आप सभी को यह जो दुर्वा है वह थोड़ा थोड़ा जो है खा लेनी है। इस महीने नहीं खानी है, सावन महीने में, भादो महीने में इसे खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुजी कहते हैं सावन की नौमी पर चढ़ी हुई दुर्वा जो कि भादो में अगर खा लेता है व्यक्ति तो उसके भारी से भारी रोग कट जाते हैं, संकटवस्त पीड़ा का निदान हो जाता है। तो करके देखिएगा सावन महीने का चमत्कार, खुली आँखों से आप देखेंगे। हमने बात कर ली सावन महीने के चमत्कारी उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है, अद्भुत है। इसका प्रभाव भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। गुरुजी ने कहा है सावन महीने में 108 वस्तु कोई सी भी, भले ही वह 108 सफ़ेद फूल हो, 108 चावल के दाने हो, 108 बेल पत्र हो या 108 कोई भी वस्तु आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है। तो सावन का महीना आ रहा है, अगर आपसे संभव हो तो आप सभी, चल रहा है कहने का मतलब है, जैसे दिन बार के अनुसार समर्पित करते हैं तो कहने ही क्या। सोमवार के दिन चावल समर्पित करना शिवलिंग पर चंद्रमा की स्थिति को मजबूत बनाता है, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देता है। और फूल भी, जैसे सफ़ेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं या सफ़ेद पंखुड़ी भी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं सफ़ेद फूल की, तो इससे अद्भुत सुख मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो सावन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा में हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सावन के पवित्र महीने पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर कोई ना कोई विशेष वस्तु समर्पित करनी है, अद्भुत इसका सुख मिलता है। तो इस तरह से मैंने कुल मिलाकर बहुत सारे उपाय आपको बता दिए। आप भी इन उपायों को करते हैं या अपने मन की बात मुझसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, हम और आप मिलकर बात करेंगे। कैसा लगा वीडियो बताइएगा।